गलत कर रहे हैं आप, नहीं गलत कर रहे हैं आप। अपने पति को गाली दीजिए, उसको कहा दे रहे हैं। देखिए अभी हम आप भी अच्छा अच्छा नेहा आप ही हैं। तुम जाओ, तुम यहाँ नहीं नहीं एक मिनट नहीं 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 आप देखिए देखिए एक मिनट सुनिए, जो भी चीजें है जो भी चीजें है क्लियर कर लीजिए। देखिए हाथ आप मत लगाइए, गलती कर रहे हैं आप, बात के बात कर रहे हैं, हाथ एकदम आराम से बात कीजिए। नहीं मैडम को भी आप टच किए हैं, मुझे कई बार टच किए हैं। सुनिए नहीं नहीं सुनिए, अरे गलत कर रहे हैं आप, नहीं गलत कर रहे हैं आप। अपने पति को गाली दीजिए, उसको कहा दे रहे हैं। आप अपने पति को गलत बोलिएगा, उसे नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा उसे नहीं। अरे आपके पति आपके साथ हैं, आपके बातों का जवाब दे रहे हैं। ऐसा कहिए, मिल गए ना, हम लोग जाते हैं, आप लोग आपस में फैसला कर लीजिए। बेवकूफ लड़की है, नहीं मन को अस्थिर कीजिए, उसके बाद कुछ बोलिए, नहीं तो घबरा जाइएगा और गड़बड़ हो जाएगा, कोई चीज ठीक नहीं होगा। मैं जान रही हूँ कि किसी का भी पति अगर किसी के लिए कितना नहीं अग्रेसिव होगा, होश में काम लो, बदहोश होगी ना, बेहोश का क्या नहीं रखा, होश में रहने देना, जीने का करना, सही कर लो, जीने नहीं करना, आज तुम्हें बनाया तो तुम इसमें जाते हो, अच्छा किए थे, क्या तुम पक्षी हो, आप आवाज नीचा कर लीजिए, आप आवाज नीचा कर लीजिए, आप आवाज नीचा कर लीजिए, विकास विकास सुनिए, शांत रहिए। तीन साल बेटी का बड़ा कर आप रुक जाइए, झपड़ खींच के बदतमीज, प्यार से बात करो, प्यार से बात करो, मैं ऐसे काउंसलिंग नहीं करते हैं, पता नहीं तुम प्यार से बात करो ना, तुम भी प्यार से बात करो, हम लोग उनको खुद बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं बात करने जा रहे हैं, नहीं ये रेंट पे रह रहे हैं, ये रेंट पे रह रहे हैं, प्रशासन आएंगे इनको दिक्कत हो जाएगा, समझे, एक कॉल करेंगे आ जाएंगे प्रशासन, प्रशासन किराया हाँ गुस्सा होंगे, इनको दिक्कत हो जाएगा, पूरा इनका बिजनेस है, रोजगार है, जो काम करना है आराम से, आप जो कीजिएगा ना सब चीज हम करके बैठे हैं। उबलने के लिए हम आए हैं, जब यहाँ काम करने आए, तो आप बैठिए, आपके दूसरे के साथ खाने आए हैं ना, जब उबालने मान लेते हैं, उबाल दीजिएगा तो मर जाएगा, आप उबल जाइएगा आप मर जाइएगा, उबलना है तो जानिए जी ना। आप तो अपना मैडम से प्रस्ताव रख दिए ना, मेरा प्रस्ताव मैडम से प्रस्ताव रख दीजिए ना, आखिर आपके साथ न रहना किस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, सब पूछिए मैडम, पहले बात आप जो पूछेंगे भाई बोलिए, प्लीज मैडम आप लोग का एक्स्ट्रा बोली समझिए कि जुमला कारण बने, ठीक है आप पहले बोल लीजिए, उसको हमको करने दीजिए, चुप रहे लोग, हम इन्हीं लोग में उलझ रहे हैं, हम क्या इनसे बात करेंगे, आप लोग चुप रहे, आप बात करिए, बात क्यों करने दीजिए, जवाब ये देंगे, ये क्यों अपने बीवी बच्चा से जुड़ रहे हैं, क्यों नहीं बीवी बच्चा के साथ रह रहे हैं, आप एकदम एक साइलेंट एकदम बिल्कुल। अच्छा मेरा ये आपसे कहना है, ठीक है इन्होंने आप पे केस किया, आप बेल भी ले लिए, ठीक है गलती तो कुछ आपकी पाई गई है, मान लेते हैं कि आप अपनी पत्नी से शादी किए हैं और आप उसको उसका अधिकार नहीं देते हैं, आप अपने साथ उसको नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको पीड़ा होना स्वाभाविक है, समझ गए ना। और एक क्या है कि आप ठीक है स्टूडियो में काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके साथ आप स्टूडियो में काम करते हैं उसी महिला के साथ आप रहते हैं, है ना, अगर आपकी पत्नी भी जॉब कहीं करे और जिस विभाग में चाहे जिस कंपनी में काम कर रही हो और यदि वहाँ उसी के मालिक के साथ वो रहे तो कहीं ना कहीं आपको भी डाउट होने लगेगा कि तुम वर्कर हो कि साथ में उसके सपोर्टर में पहुंच गए हो, अरे तुम्हारे प्रश्नों का मैं खुद तुम्हारे बातों को जवाब मांग रही हूँ, क्रिएट मत करो प्लीज, क्रिएट मत करो,
तो मेरा ये कहना है कि क्या ये इसके साथ सब कुछ सही हुआ? हाँ हाँ बोलिए। मेरा शादी 2015 में हुआ। 2015 में हमको लगता है कि मेरे घर में रही, अब शुरू से बता रहे हैं मेरा शुरू से रहे। इन्होंने हमको बोला तो मैं 2 या 3 महीने बाद इन्होंने हमको बोला कि यहाँ गांव है चलते हैं बाहर जयपुर। हमने नहीं बोला, नहीं बाद में बोला तो बोलेंगे। तुम बोला भाई, तुमको पूरा मिलेगा मौका, लेकिन शांति से बात करो प्लीज। बोला जाएगा साफ, एक एक बात बोला। सुनो, हमने ये सोचा तो हो सकता है बचपन से बाहर में रही है भाई, हो सकता है बिहार इनको अच्छा नहीं लगता। अच्छा, दो साल उसके बाद हमने जयपुर चला गया। आप उसमें क्या वर्क करते थे? शादी उस टाइम भी हम कैमरा चलाते थे। अच्छा, कैमरा शादी विवाह में क्या? हाँ, शादी विवाह शूटिंग शूटिंग वगैरह सब। उसके बाद हमने जयपुर लेकर चला गया, लमसम जयपुर हम 2 साल रहे। हम अपना काम करते थे, अपना सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है। जयपुर रहे, ये जितना बोल उतना हम पढ़ते गए। वहाँ पर भी हम दोनों आदमी को कभी नौका झुकी लड़ाई झगड़ा हो जाता था, ठीक है। जब तक एक मेरा बड़ा वाला बच्चा है, जब तक ये प्रेगनेंट हो गया, ठीक है। प्रेगनेंट हो जाने के बाद अब मान के चलिए इनका मकान अलग था, हम लोग का थोड़ा अलग था, क्योंकि ये बेटा आई मेरे पास रही। देखो, हमको उचित उचित नहीं लगता था ससुराल ससुराल में जाकर रहे। हमने अपना अलग रूम लिया, रूम सब रूम से लगता है कि 1 ही किलोमीटर हट के हमने रूम लिया। ये तो 8,000 रुपये मेरा तनख्वाह था, करते थे अपना जरूरत पड़ता था, कागजा पैसा लेकर नहीं करते थे। उसके बाद जब ये प्रेगनेंट हो गई, हमको लगता है नहीं बन रहा, हम बना रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? सुनिए ना, उसके बाद हमको लगा कि हम टच हाँ ये गलत चीज है। उसके बाद हमको लगा कि हमको घर चल देना चाहिए। मम्मी पापा को हमने उनको घर लेकर घर चला है, घर में अच्छा होगा, सब कुछ घर में छोटा मोटा बात को जो बुझे जाता था, हम 2-3 दिन को हो जाता था। कहाँ जा रही है? प्रश्न की क्या बात हो रही है? जाने दो, अरे किसी, अरे मेरी अरे कोई बस यार मत जाने दो, मैं हूँ ना, क्या दिक्कत है? बात सुनिए, तो बच्चा हुआ उनको लगता है कि 3 महीने का बच्चा, 2.5-3 महीने का। उसके बाद 3 दिन से कोई बात घरेलू मैटर लेकर नुकझोंक हुआ। मेरी इनके कहने का मतलब यह है कि मैं आपके माता पिता भाई बहन जो भी है वो मेरा दुश्मन है। अच्छा, सुनिए, तो मैंने बोला कि ठीक है चलो दुश्मन ही मानो, ठीक है, जो भी इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, ये जब भी गुस्सा होती है तो गुस्सा किन पर निकालेंगी? हम किसे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हम तो बाहर निकल जाएंगे। लड़ाई किस बात को लेकर होता था? छोटा मोटा कोई चीज नहीं था, छोटा मोटा घरेलू चीज हो नहीं जाता है। क्या घरेलू? मतलब घरेलू में हो गया, जैसे मेरा बहन है, ठीक है, बहन की बोली वो भी कुछ बोली, इसको तो हो जाता था। इन्होंने पूछा छोटे छोटे बच्चे को मार कर, घर की बात बोल रहे, जब गाँव में हम थे, गाँव में नहीं नहीं जब आप इनके साथ गए शहर कहाँ गए थे? जयपुर गए थे, तो वहाँ पर किस बात को लेकर लोग चुप हो रहे थे? वहाँ लोग जो की होते रहे की ये वोट की। सुनिए मैं बताऊँ, हाँ थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं बता सुन लीजिए, इसको कुछ याद आ गया होगा तो बातों को सुनना। बाथरूम में जाएंगे तो मोबाइल लेके जाएंगे, घर में आएंगे फोन आएगा तो बोलेंगे फोन नहीं उठाना तुम, मेरे लिए मैं झूठ बोल के आया हूँ शूटिंग में, ऐसा वैसा कथा कान सुना देते कभी भी। आज तक बोल रही हूँ कौन से हस्बैंड वाइफ है कि हस्बैंड पति का पर्स नहीं चेक कर सकती, अपने अलमारी में सामान नहीं रख सकती, आज तक मोबाइल नहीं चेक करा देंगे, मेरा नंबर किस नाम से सेव है आज तक ये नहीं चेक करा, आज तक इनका कोई भी चीज जो मेरे अलमारी में नहीं है ना, मैं आज तक ये मना कर दी। आपने अपने जीवन में देखा ये आपको नजरअंदाज कर, अरे अपना लाइफ को एक व्यवस्थित करके, और मतलब आपको जो बस इनका कहना है, और पत्नी की भावना का आप कदर नहीं करते। ये बात तो मैं तो मार्केट में ना मुझे चीज समान खिलाते ना मत करने की गई, मैं कहीं नहीं लेके जाते। एक बात बताइए, जो सिर्फ एक मार्केट में घंटा बजा वही, अभी आप दोनों को मिले हुए कितना समय हो गया ये बता दीजिए, तब हम बताएंगे। कि शंबर मान लीजिए जनवरी से नहीं, 5 महीने, 8 महीने, 8 मंथ हो गया। इनका बात सुन लेना, वहाँ
खून के बोल भाई के साथ मार्केट जाओ, भाई के साथ यहाँ जाओ, हम पैसे दे देंगे। क्यों आप किस लिए ये चीज हम काट कर रहे की दूध है की वहाँ पर जयपुर में तंबाकू में नहाते जाते जमीन से बोलिए जमीन से मेरा जब नहीं जम रहा था मान लीजिए कहीं मत 2015 से लेके 2018 तक कैसे मेरे साथ रह गए। उसके बाद सुनिए 1.5 लाख रुपए के कर्जे में थे, सुनिए 1.5 लाख रुपए के कर्जे में थे। जब मेरा तबीयत खराब हो गया था वहाँ पे तो हमको लगा कि नहीं मेरा परिस्थिति ज्यादा खराब हो गया है। हमने अपने पिताजी को बोल किया, उन्होंने वहाँ जयपुर गए। उसके बाद वो भी दाल चावल पूरा क्लियर दाल चावल जो भी था अपने जैसे मारो तुम्हारे एक सेकंड अगर किसी का एक सेकंड सुनिए बंदगी पर स्वास्थ्य गड़बड़ है तो नहीं इस बात को उसके बाद सुनिए वहाँ क्यों नहीं लड़ाई हो रहा है। छोटा मुद्दा आपके जीवन की बर्बादी का कारण है। सुनिए जीवन आप हमने आपके अगर आप ये मेरे धीरे थे हम लोग के बीच का मेटर हुआ था तुरंत इनका लड़का है वो पंकज नाम का बहुत बड़ा मैं क्रिमिनल आदमी हूँ ये भी आपको मुद्दा क्या मुद्दा ये था साला अपने जीजा को मारने गया मुद्दा क्या था मुद्दा ये मुझे भी जवाब आता है। जब मेरा सैलरी मिलता था सैलरी मिलने से पहले इनको याद आता था कि चांदपुर मार्केट है इनको जाना है। ठीक है तो खुद जॉब करते थे सारी बात पे चांदी भी झाड़ मेरा दोस्त भी बनता है मेरा वाइफ हम कमा रहे हैं मेरा अगर 2000 रुपया बच रहा है हम 2000 में इनको जो भी होता है मेरा भी दोस्त बनता है। नहीं होता था हम 1.5 लाख शादी के पहले क्या करूँ उसको मतलब मेरा मान के चले तो हम 8000 की वजह से हम आ गए यहाँ पे। मेरे घर की डिलीवरी हुआ इनका होने के बाद आपके घर का बड़ा वाला बाबू दोनों में से किसी का डिलीवरी आपके घर पर हुआ मेरे घर पर बताइए ना बताइए कहाँ हुआ है जब मेरे बच्चा जो बोलते हैं टंके के चोट पर बोलते हैं पंचायत में हुआ था घर पे हल्ला ठीक है मेरी माँ बोली कि जब पेट में बच्चा रहता है ना गंगा नहीं लगा जाता है इसलिए आप लेकर मत आइए। उन्होंने बोला ठीक है बच्चा हो गया बच्चा होने के ठीक 1 महीने के बाद हम इनको लेकर जा रहे हैं मेरा भाई का समझदार महिला नहीं है। 1 महीने क्या कर रही हो तुम मुंह का पंखा रखना ये सच नहीं बोल रहे हैं अरे तो ठीक है सच का तुम बोलना तेरे बोल मौका मिलेगा हम दिखाएंगे इन्होंने आया मेरे घर घर फैमिली में तो पता नहीं इनको क्या हम तो बाहर रहते थे मानते थे कहीं शादी विवाह में चले गए चाहे बाहर हम अगर तो बच्चे तो आगे कहा है अरे मैं 2 मिनट सुन लूं मार दे मेरे से किससे पूछा तू ऐसा क्या है भाई के बाद सुनिए ना जो तो हम बता रहे हैं ना सुनिए खाली सुनने दीजिए इन्होंने तो बात हुआ इन्होंने मेरे घर वाले बोले अब इनको गुस्सा हो रहा है देखिए गुस्सा जब इनको होगा ना तो मेरे पर नहीं निकलेगी
छोटे बच्चों का हाथ कोई बच्चे पे नहीं जाते हैं, कोई बच्चे पे नहीं नहीं मारते उसको। आप सुनते नहीं हो, अपने माँ बाप की खाली करते कि नहीं गुलामी करो मेरे माँ बाप की, बस हो गया। गुलामी क्या होता है? मैं बात बोलूं प्रियंका, मैं आपसे भी बात करूंगी ना, मैं ऐसे बोलूंगी कि बताइए मैडम इन्होंने जो बताया कितने बात सच बताया। अगर हम सब लोग आपके भी घर चलेंगे और मेरे भी घर चलेंगे तब वहाँ पता चलेगा क्या सच है। मुझे आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं कि मुझे जो पूछना मैं पूछ नहीं पा रही। ये मेरा दुर्भाग्य है, पहला बार ऐसी कोई पीड़ता है जो मेरे बात की इतनी अवज्ञा कर रही है। अरे मैं पूरी बात यहाँ से